तो हमारे दो बोली यानी कि कट्टा के टॉप वन इंडिया टाइटल पुशिंग का और एक नया एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो पर तो देखा ही होगा, हम लोगों ने M187 में पुशिंग करके इंडिया के टॉप 5 नंबर पे तो पहुंच गया था और साथ साथ में हमारे FGL24 पर भी हम लोग 24 नंबर पे हम लोग पहुंच गए थे। तो अभी देखते हैं आज हम लोग पुशिंग करके कितना ओपन ग्लोरी प्लस कर पाते हैं और M187 में टॉप 1 कर भी पाते हैं कि नहीं, और साथ ही में FGL में भी देखते हैं कितना तक आज हम लोग पहुंच पाते हैं। तो चलो चल के गेम स्टार्ट करके ही देखते हैं आज हम लोग कितना ओपन ग्लोरी प्लस कर पाते हैं। तो ऑलराइट गाइस, अब हम लोग आज के हमारे M187 के टॉप 1 पुशिंग के एपिसोड नंबर 9 के फर्स्ट गेम पर, और हमारे फर्स्ट गेम यहाँ पे बरमुंडा मैप दे देता है और मुझे कट्टा भी मिल चुका था और सामने बंदा भी दिख चुका है और उसको दो गोली भरते हुए अंदर पीछे की साइड जाता है और मैं भी ताज चेंज करके सीधा ऊपर के साइड चला जाता हूं, यहां पे जंप करके सीधा जाके दो गोली भर देता हूं और इसी के साथ उसको फिनिश कर देता हूं और यहां पे मकड़ी के जाल पे यहां पे मैं फंस जाता हूं। लेकिन जैसे तैसे करके वहां से निकल के मैं लूट कर लेता हूं और लूट करके थोड़ा सा आगे की तरफ यहां पे फाइट हो रहा था तो मैं फटाफट से वहां से निकल के थोड़ा सा आगे की तरफ जाते ही यहां पे मुझे और एक बंदा दिख जाता है जो कि उकोंग बना था एंड उसको भी मारने के लिए मैं थोड़ा बहुत यहां पे जाल बिछा के क्रोनो ऑन करके दो गोली भर देता हूं। फिर से दोबारा से क्रोनो के अंदर आके फिर से दो गोली भरने के लिए चला जाता हूं, वो बंदा मेरे क्रोनो के अंदर आ जाता है एंड दो गोली भर के उसको हम लोग नॉक कर देते हैं, उसके बाद उसको रिवाइव होने देते हैं क्योंकि मेरे को FGL से यहाँ पे किल करना था। जैसे उठता है इसको FGL से किल करके हम लोग उसको भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फटाफट से उसको लूट कर लेते हैं। लूट करने के बाद वेंडिंग वाला घर की तरफ हम लोग चले जाते हैं और वेंडिंग वाला घर पे जैसे आता हूँ यहाँ पे एक बंदा लैंडमाइन लगा रखा था, तो लैंडमाइन वगैरह चेक कर लेता हूँ एंड लैंडमाइन फूटने के बाद हम लोग सीधा इसको एम करके मारने का कोशिश करता हूँ। लेकिन यार वो बंदा दिखता ही नहीं है थोड़ा सा भी, तो मैं फटाफट से इसको फंडा के थोड़ा सा आगे की तरफ जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाने लग जाता हूँ एंड यहाँ पे मूवमेंट दिखा के उसको गोलियां फायर वगैरह देना चाहता था लेकिन वो बंदा भाई थोड़ा सा भी निकल नहीं रहा था। तो मैं खुद यहाँ पे थोड़ा सा नाटक करके ऊपर जाने का नाटक करता हूँ, दोबारा से घूम के आके ताज करके ऊपर जाके दो गोली से इसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं एंड इसी के साथ साथ हमारे 3 किल हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा मेडिकेट वगैरह लगा के हम लोग सीधा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और उस जगह से लूट करने के बाद सीधा मैं पीक पर आ जाता हूं और यहां पे मुझे एक भी बंदा नहीं मिलता है। लेकिन यहां पे एक बंदे का फुट आता है और ये देखो भाई क्या ही खतरनाक तरीके से उसको भी हम लोग हेडशॉट एंड बॉडी शॉट देके उसको खत्म कर देते हैं एंड उसके बाद यहां पे मैं मेडिकेट लगा ही रहा था उतने में एक बंदा का यहां पे फुट स्टेप आने लग जाता और मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंदर की साइड आ जाता हूँ और यहाँ पे दो गोली भरने लग जाता हूँ। लेकिन वो बंदा भाई ग्लूवल लगा देता है, लेकिन ये बंदा मेरे ग्लूवल के अंदर घुस के मारने की कोशिश करता है। मैं दो गोली भर के ग्लूवल लगा के FGL छोड़ के उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। उसके बाद फटाफट से ग्लूवल तोड़ देता हूँ, तोड़ने के बाद हम लोग फटाफट से एक मेडिकेट मार लेते हैं। मेडिकेट मारने के बाद सीधा हम लोग जोन की तरफ निकल जाते हैं और उस जगह से निकलने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ पे भी एक बंदा दिख जाता है जो कि यहाँ पे काफी देर से मेरे को तंग कर रहा था एंड इसको भी मारने का मैं सोच ही लिया था और ये देखो भाई पीछे के साइड भाग रहा है और मैं FGL छोड़ के थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ एंड मैं FGL से ये बंदे को मारना चाहता तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत आगे की तरफ जाके यहाँ पे फिर से दोबारा से FGL छोड़ देता हूँ एंड तीसरा FGL छोड़ देता हूँ। लेकिन यार काफी गंदा डैमेज होने के बाद भी ये बंदा देखो कैसे रास मार रहा है, तो मैं फटाफट से ताज चेंज करके पीछे के साइड जाता हूँ एंड पीछे के साइड आ जाते ही ये बंदा मेरे साइड जाता है, दो गोली से इसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं एंड उसके बाद फटाफट से लूट करके दोबारा से हम लोग जोन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो सारे बंदे यार मॉन्स्टर ट्रक लेके घूम रहे, तो एक बंदे को मैंने मॉन्स्टर ट्रक वाले को काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, काफी गंदा मॉन्स्टर ट्रक को भी डैमेज कर देता हूँ। लेकिन यार बंदे लोग यार सुधरेंगे नहीं और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक बंदा दिखता है उसको बॉडी वॉडी डैमेज देके काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ और ये देखो जैसे ही बंदा भागने लग जाता है और यहाँ पे बॉडी वॉडी देके उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं एंड ये मॉन्स्टर ट्रक वाले का गाड़ी तो हम लोगों को फोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो यार लास्ट में ये बंदा काफी ज्यादा तंग करेगा। और यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक फोड़ते यहाँ पे काफी गंदा बॉडी वॉडी डैमेज देते, ये बंदा मेरे साइड ग्लूवल लगा देता है और पीछे साइड भी एक बंदा आके मेरे को डैमेज देने का कोशिश करता है। इसको दो गोली भर देता हूँ एंड दो गोली भरने के बाद यहाँ पे ताज करके दोबारा से दो गोली भर देता हूँ, ये बंदा गाड़ी लेकर भागने लग जाता है और पीछे से कोई बंदा मेरे को काफी गंदा डैमेज देते थे। मैं भी यहाँ पीछे साइड आके फटाफट से एक मेडिकेट मार लेता हूँ एंड मेडिकेट मारने के बाद सीधा मैं उसको मारने के लिए सोचता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई काफी चालाक था जो कि मेरे पीछे आ जाता है। यहाँ पे बॉडी वॉडी मैक्स 7 से सॉरी रोगन से काफी गंदा डैमेज भरते ही मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे घबरा जाता हूँ और यहाँ पे मैं दो गोली भर देता हूँ। दो गोली भरने के बाद ग्लूवल लगा के दोबारा से दो गोली भर देता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई मर ही नहीं रहा था, पता नहीं यार क्या खा के आया था एंड दोबारा से यहाँ पे स्काईलाइट यूज करके दो गोली भर देता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे कोई और बंदा यहाँ पे थर्ड पार्टी करके मेरे को नॉक कर देता है एंड इसके साथ साथ फिनिश भी करके वो बंदा ना ये मैच भुया लेके चला जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मुझे इस गेम पे भी फुल ओपन ग्लोरी मिल जाता है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट मैच जो कि नेक्स्ट टाइम मैप दे देता है और मैं ब्लू जोन पे उतर के यहाँ पे एक बंदे को देख लिया था जिसको मैं मारने के लिए सीधा चला जाता हूँ और यहाँ पे MP40 से मारने का कोशिश करता हूँ। लेकिन ये बंदा भाई भाग ही जा रहा था, लेकिन मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पीछे पीछे जाके यहाँ पे मारने का कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मारने के लिए जाता हूँ ये बंदा मेरे साथ टीम अप करने लग जाता है और यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे सब्सक्राइबर हो सकता है, तो मैं भी यहाँ पे टीम अप कर लेता हूँ। टीम अप करने के बाद सीधा ऊपर साइड में एक बंदा था
था उसको मारने के लिए हम लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे मेरे को बंदा तो नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे मेरे टीम लूटने के लिए आ जाता है। तो फटाफट से लूट करने के बाद यहाँ पे एक बंदा सामने दिखता है, उसको एमपी 40 से बॉडी बिल्ड देकर फिनिश कर देता हूँ। एंड फिनिश करने के बाद इसको लूट करके थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं, यहाँ पे और एक बंदा दिख जाता है, इसको मारने का कोशिश तो करता हूँ, लेकिन इसके पास AWM था और मेरे को डर लग रहा था क्योंकि ये बंदा हेड ना मार दे बस। तो फटाफट से मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत छुप छुप के मारने का कोशिश कर रहा था एंड यहाँ पे काफी गंदा डैमेज करते हैं, वो बंदा ग्रेनेड मारने लग जाता है। तो मैं भी यहाँ पे ऊपर से कूद जाता हूँ और कूदने के बाद मैं सीधा टच चॉइस करके रश मार के यहाँ पे बॉडी वॉडी एंड हेडशॉट देकर उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। एंड उसके बाद फटाफट से इसको लूट कर लेता है और यहाँ पे मुझे कट्टा जो कि मिल जाता है। तो फटाफट से कट्टा उठा के सीधा बंदे मारने के लिए आगे की तरफ चला जाता हूँ और यहाँ पे एक बंदा दिखता है जिसको मैं मारने का कोशिश तो करता हूँ, लेकिन यार ये बंदा निकल ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके मैं मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरा सब्सक्राइबर यहाँ पे गलती से घुस जाता है मेरे सामने और मैं थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा यहाँ पे उसको फिनिश कर देता है और यहाँ पे मेरे को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। तो मैं सीधा सीधा रस मारने के लिए चला जाता हूँ एंड एक बंदे को बॉडी वॉडी देके इसको M60 से हम लोग खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे और एक बंदा बचा था जिसने मेरे सब्सक्राइबर को मारा था, तो उसको भी मारने के लिए मैं सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ, लेकिन वो बंदा भाई मेरे को काफी गंदा डैमेज दे देता है। तो मैं ग्लूअल लगा लगा के थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पे FGL छोड़ देता हूँ। FGL छोड़ते ही थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो फटाफट से यहाँ पे रिपेयर किट वगैरह मार के मैं इनहेलर मार के थोड़ा सा आगे की तरफ जाके यहाँ पे दो गोली भर देता हूँ एंड दो गोली भरते यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे करेक्टर स्किल ऑन करके दो गोली भरने के लिए जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा मिस फायर हो रहा था क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा मूवमेंट दिखा रहा था। तो मिस फायर होते जा रहा था और यहाँ पे फिर से दोबारा दो गोली भरते ही वो बंदा पैक करने लग जाता है और यहाँ पे जैसे ही पैक करता है मेडिकेट साइन आता है और यहाँ पे FGL छोड़ते यहाँ पे दो गोली से ये बंदा नॉक हो जाता है एंड FGL से ये वाला किल हमारा आ जाता है। तो फटाफट से उसको लूट करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और उस बंदे को लूट वोट करने के बाद हम लोग सीधा लास्ट जोन पे आ जाता है और यहाँ पे मुझे फाइनली बंदा दिख जाता है जिसके ऊपर मैं ग्रेनेड के यहाँ पे बरसात कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे पीछे से कोई और बंदा मेरे ऊपर गोलियों का बरसात कर देता है। तो मैं सीधा ऊपर के साइड जाके यहाँ पे ग्रेनेड मारने लग जाता हूँ और यहाँ पे टेक्निक वाला ग्रेनेड फेंकने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत बंदा डर जाता है। तो मैं फटाफट से ग्लूअल तोड़ने लग जाता हूँ, ग्लूअल तोड़ने के बाद ये बंदा नीचे साइड आके दोबारा से ग्लूअल लगा देता है, लेकिन मैं भी यहाँ पे काफी ज्यादा ढीट था, ग्लूअल तोड़ के दो गोली भर देता हूँ, दोबारा से ताज चॉइस करके गोलियां भरने चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से दोबारा से ग्लूअल लगा देता है, ग्लूअल खोल के यहाँ पे दोबारा से दो गोली भर के इसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे खत्म करते ही थोड़ा सा यहाँ पे लूट कर लेता हूँ, लूट करने के बाद ऊपर साइड एक बंदा मुझे दिख जाता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे फायर दे रहा था। तो मैं फटाफट से यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखते यहाँ पे क्या ही खतरनाक तरीके से उसको भी हम लोग हेडशॉट मार के यहाँ पे खत्म कर देते हैं। और इसको खत्म करते हुए बस लास्ट का बस चार ही बंदा बचा था, मेरे को किल करना था। तो मैं छत से कूद जाता हूँ, कूदने के बाद मेरे को ट्रोगन जो कि मिल चुका था, ट्रोगन मैंने उठा लिया था और यहाँ पे मुझे M10 भी मिल चुका था। तो यहाँ पे मैं M10Z करके थोड़ा सा यहाँ पे ग्लूअल फोड़ के यहाँ पे मारने का कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई दोबारा से पैक करने लग जाता है। तो मैं यहाँ पे ग्रेनेड वगैरह मार देता हूँ थोड़ा बहुत, और ग्रेनेड मारते ही बंदा ये साइड में जाके मेडिकेट लग जाता है। फटाफट से ताज चॉइस करके दो गोली भर के इसको भी हम लोग नॉक करके फटाफट से इसको भी लूट कर लेते हैं। लूट करने के बाद इसके पास मुझे MP5 मिल जाता है, तो फटाफट से मैं MP5Z उठा लेता हूँ। जेड उठाने के बाद यहाँ पे लास्ट का बस एक ही बंदा बचा था, उसके ऊपर मैं ग्रेनेड का बरसात कर देता हूँ और ये बंदा मेरे साइड रस मारने आता है। और यहाँ पे एक मैं ग्रेनेड मारना चाहता था, लेकिन ये बंदा मेरे ऊपर रस मार देता है और रस मार के जैसे मेरे साइड आता है यहाँ पे जंप करके यहाँ पे क्या ही MP5 से इसको हेडशॉट मार के हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग इस मैच को भी हम लोग विन कर लेते हैं और साथ में फुल अपनी ग्लोरी भी हम लोग ले लेते हैं। और उसके बाद हम लोग दोबारा से और एक मैच स्टार्ट कर देते हैं और इस मैच में बरमुंडा मैप दिया था एंड प्लेन पाथ से ब्लू जोन काफी दूर बना था। तो मैं पैदल पैदल जोन की तरफ जा ही रहा था एंड ऊपर साइड एक बंदा भी आ चुका था और यहाँ पे काफी गंदा बॉडी वॉडी देके वो बंदा मुझे खत्म कर देता है। और यहाँ पे हम लोग सोलो खेल रहे थे, तो काफी जल्दी मरने के बाद मुझे फिर से दोबारा से रिवाइव मिल जाता है। तो मैं फिर से दोबारा से हम लोग ऊपर के साइड यहाँ पे मतलब कि अंदर के साइड थोड़ा यहाँ पे जाके लूट कर लेता हूँ। लूट करने के बाद काफी गंदा मेरे को लूट भी मिल चुका था और M87 भी जो कि मिल चुका था एंड यहाँ पे सामने एक बंदा भी मुझे दिख चुका था, उसको मारने के लिए मैं सीधा जा रहा था, लेकिन वो बंदा भाई काफी गंदा डैमेज कर देता है और यहाँ पे FGL छोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डैमेज देके क्रोनो होकर थोड़ा सा आगे की तरफ आती हुआ मेडिकेट लगाने लग जाता और मैं आगे जाके यहाँ पे FGL छोड़े जाता हूँ और यहाँ पे FGL से उसको भी हम लोग खत्म करके फिनिश कर देते हैं। एंड इसी के साथ साथ हमारे FGL से फास्ट किल आ जाता है, उसके बाद फटाफट से उसको लूट कर लेता हूँ एंड इसके पास मुझे FGL मिल जाता है तो उसका FGL मैं उठा लेता हूँ और मेरा FGL छोड़ के मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाके यहाँ पे वार चेस्ट पर यहाँ पे मैं स्पिन करने लग जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे गाड़ी वाला आके मेरे को गाड़ी से मॉन्स्टर ट्रक से उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ का बचता हूँ और यहाँ पे ये बंदा मेरे साइड रस मार रहा था और यहाँ पे FGL छोड़ के थोड़ा सा डैमेज देने के लिए जाता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे मार देता है। लेकिन यहाँ पे मरा किस वजह से पता है, गाड़ी का साउंड नहीं आता इस वजह से मैं मरा था। गाड़ी का साउंड आता ना इस गेम पे मैं नहीं मरता। और यहाँ पे इस गेम पे जैसे मैं बैक करके देख लिया था, इस गेम पे ना मुझे वेपन ग्लोरी तो M87 मिलने के बाद भी नहीं मिलता यार। लेकिन उसके बाद हम लोग और एक मैच स्टार्ट कर देता और इस मैच पे मुझे नेक्स्ट मैप दिया था और ऊपर से एक
बंदे काफी गंदा मुझे डैमेज दे देता है और मेरे पास MP40 था तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे पिक लेने का कोशिश करता हूँ और जैसे ही बंदा आता है थोड़ा सा डैमेज देते पीछे के साइड चला जाता है एंड मैं यहाँ पे ताज करके थोड़ा सा आगे की तरफ जाके यहाँ पे उकोंग बन जाता हूँ। उकोंग बनने के बाद ये बंदा मेरी साइड रास मारने के लिए आ जाता है और मैं यहाँ पे बॉडी वॉडी देकर उसको हम लोग खत्म कर देते हैं एंड इसी के साथ साथ हमारे फर्स्ट किल निकल जाता है एंड फर्स्ट किल निकलने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ लूट करते करते मुझे कट्टा भी जो कि मिल चुका था एंड कट्टा मिलते यहाँ पे रस करके दो गोली भर देता हूँ एंड यहाँ पे मेरा गोली ही नहीं था यहाँ दो ही गोली बस उठाया था मैंने और यहाँ पे मेरे को मार देता है ये बंदा काफी गंदा डैमेज। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इनहेलर मार मार के पीछे के साइड भाग जाता हूँ एंड भागते भागते भाई यहाँ पे काफी देर में यहाँ पे कट्टा की गोलियां ढूंढने लग जाता हूँ लेकिन यहाँ पे कट्टा का गोलियां नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे M40 से ही काफी गंदा डैमेज दे देता हूँ एंड डैमेज देके इसको भी हम लोग यहाँ पे सोनिया बना के खत्म कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कट्टा का गोली था तो फटाफट से हम लोग कट्टा का गोली उठा के सीधा हम लोग एकदम जोन की तरफ आ जाते हैं एंड यहाँ तक आते आते बस आठ बंदे बचे थे। एक बंदे को देख के मैं सीधा टच करके रास मारने के लिए चला जाता हूँ लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लैंडमाइन वगैरह चेक करना जरूरी है तो चेक करके फटाफट से मैं ऊपर के साइड चला जाता हूँ। ऊपर साइड के जाते ही यहाँ पे ऊपर साइड ही बंदा दिखता है और यहाँ पे क्या ही खतरनाक तरीके से हेडशॉट मार के उसको हम लोग खत्म कर देते हैं एंड उसने भी मेरे को काफी गंदा डैमेज कर दिया था। तो मैं फटाफट से एक सुपर मेडिकेट मार लेता हूँ। सुपर मेडिकेट मारने के बाद ऊपर ब्रिज के साइड से कोई बंदा फायर कर रहा था उसको मारने के लिए मैं सीधा चला जाता हूँ और यहाँ पे बंदा जैसे ही दिखता है बॉडी वॉडी डैमेज देके काफी गंदा डैमेज देके उसको सोनिया बना देता हूँ एंड बॉडी वॉडी देके उसको हम लोग खत्म कर देते हैं एंड उसके बाद फटाफट से इसको शांति से लूट लेता हूँ। इसके बाद M10 था तो मैं फटाफट से M10 उठा लेता हूँ क्योंकि मेरा M187 से हेडशॉट लगा था। एक बंदे को हेडशॉट मारा था और एक बंदे को मैंने बॉडी वॉडी भी मारा था तो इसीलिए हमारा इस गेम पे शायद वेपन ग्लोरी फुल मिल जाएगा तो इसीलिए मैंने M10 उठा लिया था एंड M10 उठा के जैसे मैं नीचे की साइड जाता हूँ यहाँ पे लास्ट के बस तीन ही बंदे बचे थे। एक बंदे का यहाँ पे साइड से फूट आने लग जाता है तो मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा सा देखने लग जाता हूँ और यहाँ पे दो गोली भर के इसको हम लोग नॉक कर देते हैं एंड जैसे इसको मैं फिनिश करने के लिए जाता हूँ फिनिश कर ही देता हूँ और फिनिश करने के बाद जैसे लूट करने लग जाता हूँ यहाँ पे और एक बंदा थर्ड पार्टी करके मेरे को नॉक कर देता है एंड मैं रिवाइव हो ही रहा था उतने में वो बंदा आना मुझे फिनिश कर देता है एंड इसके साथ साथ इस गेम पे भी मैं मर जाता हूँ यार हट। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा खासा प्लस मिल जाता है इस गेम पर मुझे और अभी ना सोलो पर काफी ज्यादा थर्ड पार्टी हो रहा था और थर्ड पार्टी से मेरे काफी ज्यादा बुआ मिस हुआ जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। तो अभी ना मैं सोच रहा था कि कल की तरह क्यों ना हम लोग आप लोगों के साथ टीम कोड देके आज भी हम लोग गेम प्ले किया जाए तो फटाफट से मैं व्हाट्सएप चैनल पे चला जाता हूँ टीम कोड मैं दे देता हूँ और यहाँ पे टीम कोड देते ही एक बंदा हमारे ग्रुप में यहाँ पे आ जाता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे गेम स्टार्ट कर देता हूँ और आप लोग भी मेरे साथ खेलना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से जाके सीधा व्हाट्सएप चैनल पे चला जाना और वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना और वहाँ पे मैं टीम कोड देता रहता हूँ और वहाँ से आप लोग आके मेरे साथ खेल सकते हो। तो अभी चलते हैं सीधा हम लोग गेम पर। तो देखो यार डुओ पे अपना सिंपल सा स्ट्रेटजी है गाड़ी वाला कैरेक्टर दोनों में से एक बंदा लेके रखेगा मतलब मेरा जो रैंडम टीममेट है उसको गाड़ी वाला कैरेक्टर लेके रखना ही पड़ेगा और मैं यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो मेरा कैरेक्टर स्किल जो जो है वो आप लोग भी यूज कर सकते हो क्योंकि कट्टा में किल करने के लिए ये कैरेक्टर स्किल बहुत ही खतरनाक है तो ये कैरेक्टर स्किल लेके आप लोग खेल सकते हो। और यहाँ पे आप लोग स्ट्रेटजी हमारे देख ही सकते हो हमारे रैंडम टीममेट को जैसे यहाँ पे कट्टा दिखता है वो हमारे मार्क कर देता है और मैं जाके फटाफट से कट्टा उठा लेता हूँ। कट्टा उठा के सीधा हम लोग बंदे मारने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पे FGL का एमओ भी उसने मेरे को दे दिया था और यहाँ पे एक बंदा भी दिख जाता है जो कि पेड़ के पीछे था और यहाँ पे मैंने उसको काफी गंदा FGL छोड़ के डैमेज दे रहा था और यहाँ पे डैमेज देते देते यहाँ पे पीछे साइड भाग जाता और यहाँ पे थर्ड पार्टी करने और एक बंदा आ जाता है लेकिन मैं यहाँ पे FGL पे FGL छोड़ के उसको हम लोग नॉक कर ही देते हैं लास्ट पर और यहाँ पे फटाफट से मेरे को डैमेज पड़ा था तो यहाँ पे फटाफट से मेडिकेट मार लेते हैं और मेडिकेट मारने के बाद यहाँ पे जंप कर करके उसको हम लोग फिनिश कर देते हैं और यहाँ पे मेरा FGL का फर्स्ट किल यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हम लोग फटाफट से उसको लूट करने के लिए चले जाते हैं और उसको लूट करके हम लोग दोबारा से यहाँ पे और एक बंदे को मारने के लिए चले जाते हैं लेकिन यहाँ पे मेरा रैंडम टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है तो मैं फटाफट से उसको मारने के लिए न जाके ना फटाफट से रिवाइव करने के लिए चला जाता हूँ लेकिन यहाँ पे हिटलिस्ट वाले बंदे यार मेरे पीछे भी जाके मेरे को मारने के लिए आ जाता है तो मैं फटाफट से उकोंग बन के दो गोली भर के इसको भी हम लोग नॉक कर देते हैं और उसके बाद एम करके यहाँ पे हेडशॉट मार देता हूँ क्योंकि हेडशॉट मारने के लिए जाता हूँ लेकिन यहाँ पे हेडशॉट नहीं मार पाता हूँ लेकिन यहाँ पे किल आ जाता है मेरा। उसके बाद फटाफट से उसको लूट करके गाड़ी लेकर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और यहाँ पे फटाफट से जाके उसको हम लोग रिवाइव कर देते हैं और रिवाइव करने के बाद सीधा हम लोग पीक की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे मुझे बंदा दिख जाता है उसको मैंने थोड़ा बहुत तो डैमेज देते ही वो बंदा घर की तरफ चला जाता है और मेरे पास यहाँ पे FGL था और वो बंदा मेडिकेट लगा रहा था तो मेरे पास FGL का एक ही एमओ था तो फटाफट से मैं FGL छोड़ देता हूँ और यहाँ पे FGL छोड़ते ही वो बंदा देखो थोड़ा बहुत तो डैमेज हो रहा था थोड़ा थोड़ा करके लेकिन यहाँ पे मेरे को यहाँ पे उसको मारना था तो फटाफट मैं घर की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे एक बंदे को हेडशॉट मार देता हूँ और यहाँ पे और एक बंदा था भाई पता नहीं यार यहाँ पे
कितने सारे बंदे थे, एक बंदे को डैमेज देने का कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ पे और एक बंदा पीछे आ जाता है, उसको मारने के लिए जाता हूँ लेकिन यहाँ पे और एक बंदा पीछे आ जाता है, और यहाँ पे कितने सारे बंदे थे यार, यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ पे पैक करके एक बोनफायर लगा लेता हूँ, और एक बंदा भाई पैक पे पैक तोड़े जा रहा है, तो फटाफट मैं पीछे की साइड आ जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा से पैक करने लग जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे पैक करना यहाँ पे थोड़ा सेफ नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे घर के अंदर आ जाता हूँ, एंड घर के अंदर आने के बाद फटाफट से एक सुपर मेडिकेट में मार लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे और एक बंदा आ जाता है। यार कितने सारे बंदे थे लेकिन यहाँ पे जैसे तैसे करके एक सुपर मेडिकेट मारते मारते यहाँ पे और एक बंदा जाता है, उसको दो गोली, एंड दो गोली भरने के बाद दोबारा से यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट देंगे, दोबारा से दो गोली भरते ये बंदा नॉक हो जाता है, एंड उसके बाद बॉडी वॉडी देखे उसको भी हम लोग खत्म करके दोबारा से यहाँ पे मेडिकेट मार लेते हैं, और मेडिकेट वेडिकेट मारते यहाँ पे और एक बंदा यहाँ पे मेडिकेट मार रहा था, तो मैं फटाफट से ताश करके रास मार के दो गोली भरने लग जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे गोलियां मिस हो रहा था, लेकिन ये बंदे लोग भाई पीछे की साइड जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे दोनों गुप्तगु कर रहा था, तो मैं यहाँ पे पीछे की साइड भाग जाता हूँ क्योंकि दो बंदा था, मेरे को मरना नहीं था क्योंकि कट्टा का और भी किल करना था मुझे, तो यहाँ पे इस कार से एक बंदे को हेडशॉट देके नॉक कर देता हूँ, और मेरे बंदा भी यहाँ पे आ ही रहा था, उतने में मैं भी यहाँ पे रास मारने के लिए चला जाता हूँ, यहाँ पे दोबारा से हेडशॉट मार के यहाँ पे सोनिया हो गया क्या, नहीं नहीं सोनिया तो नहीं हुआ, तो दोबारा से यहाँ पे ताचे दो गोली भरने लग जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मिस फायर दोबारा से दो गोली भर देता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई मर ही नहीं रहा था, और यहाँ पे दोबारा से नीचे जाके यहाँ पे दो गोली भर के जैसे तैसे करके इसको हम लोग खत्म कर ही देते हैं, उसके बाद फटाफट से उसको लूट कर लेता हूँ, एंड लूट करने के बाद हम लोग जोन की तरफ जा ही रहा था, एंड जोन काफी ज्यादा कट रहा था, तो यहाँ पे लॉन्च पैड लगा सीधा ऊपर के साइड जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे पोस्टर पे यहाँ पे लग के थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नॉक होने के बाद यहाँ पे मेरा रैंडम टीममेट देखो कैसे हमको रिवाइव करने के लिए चले जाता है, फटाफट से जोन की तरफ जाके यहाँ पे इसके पास टोकन नहीं था, मेरे लूट बॉक्स यहाँ पे लूट रहा था, एंड लूटने के बाद दोबारा से गाड़ी लेके मेडिकेट लगाते लगाते यहाँ पे टोकन कलेक्ट करने के लिए चला जाता था, दोबारा से टोकन कलेक्ट करके यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे गाड़ी लेके फिर से यहाँ पे रिवाइव पॉइंट की तरफ यहाँ पे दोबारा से चले जाते हैं, और यहाँ पे कितना मुश्किल से वो मुझे रिवाइव कर देता है, दोबारा से यहाँ पे नीचे के साइड यहाँ पे उतरने के लिए चला जाता हूँ, और यहाँ पे एलसेप सेफ लगता है, तो मैं एलसेप के साइड नीचे चला जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे मेडिकेट था तो फटाफट से एक मेडिकेट लगा लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले बंदे ने मेरे को काफी गंदा डैमेज दे दिया था, और वो बंदा मेरे साइड रास मारने के लिए भी आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे मिस फायर थोड़ा बहुत फायर देते हुए ना वो बंदा भाई यहाँ से भागने लग जाता है, यार वो बंदा ना भागने लग जाता है यार सीरियसली, और यहाँ पे उतने में ना मेरा टीममेट भी यहाँ पे आ जाता है, तो फटाफट से मैं एक उठा लेता हूँ, एंड एक उठाने के बाद यहाँ पे टीममेट आते ही मैं यहाँ पे सीधा गाड़ी में यहाँ पे चढ़ जाता हूँ, और यहाँ पे गाड़ी में चढ़ने के बाद सीधा हम लोग ऊपर की साइड भी जाते हैं, और ऊपर की साइड आते ही यहाँ पे मेरा रैंडम टीममेट यहाँ पे देखो क्या ही खतरनाक लूट दे देता है, तो फटाफट से मैं लूट वगैरह लूट कर लेता हूँ, लूट करने के बाद यहाँ पे एफजेल भी देता है, तो फटाफट से एफजेल भी उठा लेता हूँ, और यहाँ पे एफजेल उठाते ही ना पे बंदे को मैंने देख लिया था, और यहाँ पे काफी गंदा बॉडी वॉडी दे देता हूँ, और एक बंदा गाड़ी लेकर भी घूम रहा है यार, और यहाँ पे मेरा रैंडम टीममेट भी उसका गाड़ी में यहाँ पे चढ़ गया है, और यहाँ पे मैं डैमेज तो डैमेज दे रहा था, और एफजेल पे एमओ भी मैंने खत्म कर दिया दो दो, लेकिन यार एफजेल से थोड़ा सा भी यहाँ पे डैमेज नहीं है, और यहाँ पे गाड़ी वाला लास्ट का बस बचा है, उसका गाड़ी में फोड़ने लग जाता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई दूसरा गाड़ी में चढ़ जाता है, दूसरा गाड़ी भी फोड़ देता हूँ, और यहाँ पे लास्ट का एक ही बंदा बच जाता है, तो मेरा टीममेट को यहाँ पे मना कर देता हूँ मारने के लिए, और यहाँ पे मेरा टीममेट बोलता है कि मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ, डैमेज देते देते मैं भी एफजेल छोड़ देता हूँ, लेकिन ये मेरा टीममेट इसको भाई किल मिल जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके इस गेम पे मुझे काफी अच्छा खासा यहाँ पे M87 का प्लस मिल जाता है, और एफजेल का थोड़ा बहुत मिल जाता है, और हमारे फर्स्ट मैच भुया करने के बाद हम लोग और एक मैच स्टार्ट कर देते हैं, और इस मैच पे नेक्स्ट मैप दिया था, और जैसे कि हमारे टीममेट के साथ डील हुआ था, जैसे कि जिसको भी गन मिलेगा जैसे कि M187 FGL वगैरह वो मार्क कर दिया करेगा, और इसी तरीके से हम लोग पहले ही उतरते ही यहाँ पे ब्लू जोन पे यहाँ पे कट्टा भी मिल चुका था, और इस कार और FGL भी मिल चुका था, और यहाँ पे नीचे के साइड ना हमारे टीममेट जो कि फाइट कर रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कवर फायर देने का कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे भाई कितने सारे बंदे भाई आप लोगों को तो पता ही है ब्लू जोन पे उतरते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके एक बंदे को मैंने काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, और पीछे से कोई बंदा और बंदा मेरे को डैमेज कर देता है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके यहाँ पे FGL वगैरह छोड़ छोड़ के थोड़ा बहुत डैमेज दे रहा था, लेकिन यार सामने वाले बंदों ने यार मुझे नॉक कर दिया, और यहाँ पे FGL से डैमेज होते होते और एक बंदा उस लोगों का टीममेट का नॉक हो चुका है, और मेरा टीममेट जाके यहाँ पे फिनिश करने के लिए चला जाता है, और यहाँ पे उसका टीममेट भी आ जाता है, मतलब ओपोनेंट का टीममेट आ जाता था, और यहाँ पे बॉडी वॉडी देखे हमारे रैंडम टीममेट यहाँ पे फिनिश कर देता है, उसके बाद आगे फटाफट से मुझे रिवाइव कर देता है, और मैं यहाँ पे रिवाइव होने के बाद फटाफट से एक मेडिकेट मार के सीधा मैं रास मारने के लिए चले जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक बंदा दिख जाता है जो कि यहाँ पे छत के ऊपर था, तो मैं सीधा ऊपर के साइड रास मारने के लिए चल जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे बंदा नहीं मिलता, मेरे टीममेट को मिल जाता है, और वो मुझे कॉल दे देता है कि बंदा डैमेज है, लेकिन मैं दो गोली भर देता हूँ लेकिन नहीं मरता है, तो मैं उसका पीछे पीछे ताच करके चला जाता हूँ, और यहाँ पे दो गोली भर के उसको हम लोग नॉक करके फटाफट से उसको हम लोग हेडशॉट मार के उसको हम लोग फिनिश कर देते हैं, उसके बाद हम लोग फटाफट से लूट वूट करके दोबारा से हम लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, उतने में ना ऊपर साइड से ना कोई बंदा फायर कर रहा था, और इसने ना हेडलिस भी सॉरी रिवाइव क्या बोलते हैं सोलो डियर लेके रखा है, तो उसको मारने के लिए ना हम लोग सीधा भेंडिंग के पास जाके यहाँ पे
आर्सेनल वगैरह मेडिकेट वगैरह सब कुछ खरीद लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग एक क्या बोलते हैं यार पोर्टल वगैरह भी खरीद लेता हूँ। एंड पोर्टल वगैरह खरीद के यहाँ पे सीधा मैं ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर जाके पोर्टल यूज करने लग जाता हूँ। वो यूज करते करते उसने थोड़ा बहुत डैमेज भी दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे काफी ज्यादा ढीट था। यहाँ पे पोर्टल जैसे तैसे करके यूज करके ना ऊपर के साइड में चला जाता हूँ। जैसे ऊपर के साइड जाता हूँ ये क्या देखता हूँ यार, ऊपर ये बंदा नॉक होता है। तो मैं इसको हेडशॉट से फिनिश करके फटाफट से इसको लूट कर लेता हूँ। लूट करने के बाद काफी देर इधर उधर बंदे ढूंढने का कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे बंदा नहीं दिखता। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लैंडमाइन लगा के नीचे के साइड आ जाता हूँ। एंड नीचे आते ही यहाँ पे मुझे बंदा मिल जाता है यार, जो कि यहाँ पे काफी देर से मुझे यहाँ पे वेट कर रहा था पोर्टल के नीचे। एंड यहाँ पे उसको देखते यहाँ पे दो गोली से इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम लोग लूट कर ही रहा था, उतने में ना और एक बंदा यहाँ पे आ जाता है, उसको भी दो गोली भर देता हूँ। दो गोली भरने के बाद जंप करके मारने का कोशिश करता हूँ और यहाँ पे दो गोली से उसको भी हम लोग नॉक कर देते हैं। एंड उसके बाद बॉडी बॉडी दिखे उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद लूट कर लेता हूँ। एंड लूट करने के बाद ना यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे थे, एक बंदे को मैंने हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। एंड इसके साथ साथ इस गेम पे मेरा 6 किलो जाता है। उसके बाद फटाफट पीछे की साइड आते हैं, यहाँ पे मेडिकेट का एक बंदे का साइन आता है। उसको भी बॉडी बॉडी देके हम लोग नॉक कर देते हैं। नॉक करने के बाद उसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही, क्योंकि मेरा काटा का तो इस गेम पे किल हो चुका था, लेकिन मेरे को FGL पे किल करना था, इसीलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ ऐसे रिवाइव करने के लिए। एंड उसका टीममेट आता है, उसको रिवाइव करने लग जाता है और इसको रिवाइव करने भी देता हूँ। एंड रिवाइव करने के बाद मैं FGL जैसे ही छोड़ने लग जाता हूँ, यहाँ पे भाई क्या कैरेक्टर छोड़ देता है FGL से, भाई 0-0 डैमेज आ रहा था यार, लिटरली यार मैंने इतना गोलियां मिस कर दिया। लेकिन यहाँ पे बंदा नॉक भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। मैं यहाँ पे स्कार से थोड़ा बहुत डैमेज देके इसको नॉक कर देता हूँ। और इसको पीछे पीछे जाके थोड़ा बहुत MP40 से उसको हम लोग बॉडी वॉडी देके इसको हम लोग खत्म करने का ट्राई करते हैं। लेकिन ये बंदा भागते भागते ऊपर के साइड जाता है, लेकिन मेरे को FGL से किल करना था। तो मैं FGL से काफी ज्यादा ट्राई करता हूँ किल करने का, लेकिन ये बंदा तो भाई मेरे MP40 से ही मर जाता है। क्या बोलूं यार, कैरेक्टर स्किल की वजह से बच गया था लेकिन अभी ना, और मेरे पास 3 एमओ है। और यहाँ पे एक बंदे को बॉडी वॉडी डैमेज देते ही यहाँ पे बंदा अंदर चला जाता है। और ये देखो भाई क्या ही खतरनाक तरीके से उसको भी हम लोग हेडशॉट मार के खत्म कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरा टीममेट के पास FGL में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को FGL से किल करना था। एंड यहाँ पे FGL का 5 एमओ हमारा हो चुका था और यहाँ पे हमारे रैंडम टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है। एंड मैं स्कार से पीक लेने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यार सामने वाले बंदे ने क्या ही खतरनाक तरीके से वन टैप मार के मुझे खत्म कर देता है। इसके बाद जैसे हम लोग इस गेम के बैक करता है, यहाँ पे M87 का फुल ओपन गोली मिल जाता है, FGL का 27 का मिल जाता है। और आज हम लोगों ने काफी ज्यादा जो कि गेम खेल लिया है, और इसके वजह से आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो हमारे झारखंड पे टॉप 1 पे है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट है। और हमारे स्टेट यानी कि हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर भी हम लोग टॉप 1 पे है हमारे M187 में। और हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर भी अभी के टाइम पे आप लोग देख ही सकते हो हमारे टॉप 5 पर ही है। और हम लोग देखते हैं यार कब तक हम लोग टॉप 1 कर पाते, क्योंकि टॉप 1 वाले काफी ज्यादा मतलब प्लस कर रहे हैं और काफी ज्यादा गैप भी बना के रखे हैं। लेकिन हम लोग भी यार टॉप 1 करके ही छोड़ेंगे, तो देखते हैं यार कब तक टॉप 1 होता है हमारा। और साथ साथ में हम लोग FGL वेयर भी टॉप 1 करने का कोशिश करेंगे। और अभी के टाइम पे आप लोग देख सकते हो हमारे FGL पर हम लोग कितने नंबर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट पर है। एंड हमारे स्टेट यानी कि हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर भी हम लोग टॉप 3 या फिर 4 नंबर पे आ चुके हैं। और अभी हम लोग FGL पर हमारे इंडिया पर आप लोग देख सकते हो, हमारे इंडिया पर भी अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे टॉप 12 पर। और हम लोग कल परसों के अंदर हम लोग टॉप 5 पर भी जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा स्कोर इस गन में कम है। तो हम लोग ट्राई जरूर करेंगे टॉप 5 या फिर टॉप 1 तक करने का FGL पर, क्योंकि काफी ज्यादा यार कम स्कोर है अभी के टाइम पे आप लोग देख सकते हो। तो देखते हैं यार कब तक हम लोग टॉप 1 कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग मेरा और भी ओपन ग्लोरी का वीडियो देखना चाहते हो M187 या फिर FGL का, तो लेफ्ट वाला वीडियो जाके जरूर देखना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते वाले नेक्स्ट वीडियो में। टेल देन, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय दोस्तों।